हेलो एवरीवन, सो गाइस वी आर बैक विद मास्टर लीक। सो गाइस, हमारे पास हमेशा वाटर टाइप पोकेमोन के अगेंस्ट पोकेमोन की कमी रही है, तो वो कमी अभी भी दूर अच्छे से नहीं हुई है, पर हम लोगों ने एक सब्सिट्यूट लिया है। अभी हमें बस एक ऐसा पोकेमोन चाहिए जो हल्की सी हेल्प कर दे। वैसे हमारे पास अपना एलोलन ग्लूम भी है, पर हमने अभी इसको लिया है जो कि प्योर इलेक्ट्रिकल टाइप पोकेमोन है, और एम्फ्रोज है इसका नाम, और हमारे सामने है स्नोरलैक्स। सो ये स्नोरलैक्स काफ़ी हाई एचपी वाला पोकेमोन है, इसकी हेल्थ इजिली ख़त्म नहीं होती है। सो हम लोगों ने कोविलियन को बुलाया है, थोड़ा इस पर ज़ोर डालेगा। सो कोविलियन जो अपना है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और सो गाइस आज सीन ये है कि मैं ये वीडियो बनाते टाइम मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया था, और फ़ोन ऐसे टाइम पे आया कि मैं वीडियो बना रहा था, तो फ़ोन आने पे हमारी फाइट तो चलती रही पर वीडियो रुक गई। तो ये दो पार्ट में वीडियो है, और मैं शायद से अभी दो या तीन मैच खेल चुका हूँ, नहीं ये दो मैच जीत चुका हूँ, ये तीसरा मैच चल रहा है। सो गाइस, स्नोरलैक्स इनका शील्ड यूज़ कर रहा है, और स्नोरलैक्स काफ़ी देर से लड़ रहा है, तो मुझे एक्सपेक्ट है ये कुछ बड़ा अटैक कर सकता है हम भी। सो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। अगर इसने शील्ड यूज़ नहीं की तो ये सुपर इफेक्टिव पड़ेगा, और अब ये हम पे हाइपर बीम करने वाला है जैसे कि इसने पहले भी कर दिए। तो हाइपर बीम में मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि कोविलियन की हेल्थ हमारी अभी आधे से थोड़ी सी ही कम है। तो गैस, मैं इसमें एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ आज, जो कि आप अपने मास्टर लीग में यूज़ कर सकते हैं जब ऐसी कंडीशन आए, सेम ये वाली कंडीशन। तो मैंने क्या किया, इस पर चार्ज अटैक नहीं किया अभी, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे मैंने चार्ज अटैक यूज़ नहीं किया था, तो उसको मैंने चार्ज करके रख लिया है साइड में। तो वह टाइप पोकेमोन है, तो हम लोग अपना इलेक्ट्रिकल टाइप पोकेमोन ले आए हैं सामने। तो जो एम्फ्रोन है उसके सामने एक गैराडोस है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, और जो उसका अटैक है वाटरफॉल। बस हाइड्रोपम्प नहीं था, नहीं तो गेम ख़त्म हो जाता। सो गाइस, फोकस ब्लास्ट करेंगे जो कि फाइटिंग टाइप अटैक है, जो कि इतना इफेक्टिव नहीं होगा पर काफ़ी इफेक्ट छोड़ेगा, इस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट छोड़ेगा। सो गाइस, ये 2800 का है गैराडोस, और हमारा 2400 का था एम्फ्रोज। सो मैंने इस पर ये गलती से चार्ज अटैक छोड़ दिया, और थोड़ा सा पछतावा हो तो रहा है, थोड़ा है यार दिक्कत दिमाग में हमारे, है कमज़ोरी। सो ये मैच हम जीत चुके हैं, हमारे पास दो पोकेमोन है और इनके पास एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन है जिसके पास शील्ड नहीं है। सो आप देखेंगे कि काफ़ी इफेक्ट दिया इसने। अब हमारे पास जो आ रहा है वो है अपना लेंडोरियस। सो लेंडोरियस फाइटिंग टाइप के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका जो भी शॉट पड़ेगा वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। सो गाइस, अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आने वाला है, तो हमारी वीडियो ये यहाँ पर रुक जाएगी, और मतलब रिकॉर्डिंग चलती रहेगी पर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी आगे, तो मैं इसके आगे तुरंत दूसरी वीडियो लगा दूँगा। सो गाइस, दूसरी वीडियो ये है, ये लगा दी है, वो फाइट हम जीत चुके हैं, तीन मैच जीत चुके हैं। सो हम चौथा मैच खेलने वाले हैं। सो गाइस, जब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था तो मेरे घर के पास जो पोकी स्टॉप है उधर टीम रॉकेट आई हुई थी, तो मैंने बात करते करते सोचा एक बैटल लड़ लेते हैं। तो उस बैटल में मैंने कुछ पोकेमोन यूज़ किए थे, उनमें से मेरे ये वाले पोकेमोन भी थे, कैवोलियन और लेंडोरियस। सो गाइस, ये बैटल लड़ते टाइम मैं भूल चुका था कि मैंने उनको टीम रॉकेट से लड़ा है, तो मैंने उनको हीलअप नहीं किया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये बात मुझे पता नहीं थी। तो मेरे सामने है अभी क्योगरी, जो कि एक लेजेंडरी पोकेमोन है, बहुत ही स्ट्रांग है पर उसकी सीपी कम है, नहीं तो भैया इसका जो वाटरफॉल अटैक है वो सीधे क्वार्टर में हेल्थ लेके जाता। सो गाइस, ये हम पे थंडर मारने वाला है, और हमारे एम्फ्रोज को इसने ख़त्म कर दिया, पर एम्फ्रोज ने अपना काम लगभग पूरा कर दिया है,
अब इसका कुछ भी नहीं बचा है। सो वर्ड टाइप की वीकनेस क्या होती है? ग्रास टाइप, इलेक्ट्रिक टाइप, ये होती है मेन वीकनेसेस। उसके बाद एक वीकनेसेस और है इसकी, अगर ड्रैगन अटैक है वो मार दो, और अगर आपके पास फाइटिंग अटैक है वो मार दो। तो फाइटिंग अटैक और ड्रैगन अटैक भी इनकी वीकनेस है, जो कि वहाँ लिस्ट में आपको नहीं दिखेगी, पर ये है वीकनेस। सो ट्राइनेटर और कोविलियन की फाइट ऐसे है जैसे कि बिल्ली और चूहे की, शेर और हिरण की। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्राइनेटर कमज़ोर है, पर जो कंपैरिजन है ना वो ऐसा है, ट्राइनेटर इसके सामने टिक नहीं पाता है। सो वाइज बात ऐसी है कि जो बंदा मेरे सामने है, इसके पास तीनों भैया, तीनों एक ऐसे पोकेमोन है भाई, जो कि मतलब कहीं खड़े हो जाए सबको मार देंगे। पर दिक्कत ये होगी कि भैया तीनों की कमजोरी एक ही है, कोवेलियन। सो हमारे सामने जो ग्राउंडोन है, ये बहुत खतरनाक पोकेमोन है यार, ये आपको कभी भी वाइल्ड में नहीं मिलेगा। आप घूमने निकले और आपके सामने ये वाइल्ड में अपेयर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये आपको सिर्फ रेड बैटल में मिलेगा, आपको जिम में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा ये। सो जो ये बंदा है भैया, इसका पक्का लेवल काफ़ी हाई है, और ये भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सो भैया ग्राउंड डाउन काम वेट कर रहे हैं। तो हमारे पास दो पोकीमोन हैं, पर आपको बता दूं कि दोनों की सी एचपी कम है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, पर टीम रॉकेट से लड़के आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और हम लोग ब्लाइंड खेल रहे हैं एक्चुअल में। सो भाई ग्राउंड डाउन हम पे अटैक करेगा, जो भी अटैक होगा भाई कोवलियन को लेके ही जाएगा, चाहे अर्थक्वेक को। हमें पता था कि अर्थक्वेक है क्योंकि हमने देख रखा था। सो भैया हमारे लंडोरियस ताऊ आ गए और एक झटके में मार दिया है। सो गाइस ये हमारी वीडियो थी आज की, और हमने इसमें 4 मैच जीते हैं, पांचवा भी मैं जीत जाऊंगा, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, वो मैंने बाद में खेला है। तो हमने यहाँ पर एक लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ा है, जो कि हमारा लेंडोरियस है। सो गाइस लेंडोरियस पकड़ने का फ़ायदा ये है कि हमारे पास लेंडोरियस पहले से ही बहुत सारे हैं, तो भैया पकड़ने में कैंडीज मिल रही हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।